साथियों, जीवन के विविध विषयों पर मैं आपके सामने वीडियो बनाता रहा मैं, और आप लोगों ने देखा और कमेंट भी किया, और मज़ा आता है, आपके कमेंट भी आते हैं। जो विचार आ जाता है मैं डाल देता हूँ, जैसे जानते हैं मेरी कोई प्लानिंग तो होती नहीं है। आज मैं आया था कि स्टूडियो तो विचार आ जाए आया कि ये भी सब्जेक्ट शायद छूटा रह गया है, कोई अछूता ना रह जाए। ये भी एक वृहद फील्ड है जीवन की। मैं आया एक स्टूडियो में तो कमोवेश मैंने जब निरीक्षण किया तो कहीं ना कहीं स्टूडियो में जाने पर एहसास होता है, पॉजिटिवनेस का एहसास होता है। ओशो की एक स्टोरी है, एक बार कोई उसने बताई है कि एक बार कोई फोटोग्राफर के पास गया तो तीन तरीके के उसके पास रेट थे फोटोग्राफर के पास। अपनी मनपसंद जो आदमी चाहता है वैसा बनाने का जो है रेट था 100 रुपया, और क्या कहते हैं क्या कुछ जनरल मिक्स करके बनाने का रेट था 50 रुपया, और जो वास्तव में जो आदमी है ऐसा बनाने का रेट था 20 रुपया। तो ओशो का कहना था कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं आता जो वास्तव में जो हो वैसा बनाया जाए। तो खैर, स्टूडियो के साथ दार्शनिकता से आपके सामने जोड़ दिया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या यार, यहाँ ना जरा ये क्या करते हैं, देखिए जनरल स्टूडियो भी स्वरूप बदल गया है। देखिए आज की डेट में ये क्या, ये फ्रेम बेचते हैं ये। आप यहाँ क्या काम होता है ये बताइए। यहाँ पूरा मैनेजमेंट का काम। नहीं, मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके स्टूडियो में ये जो करते हैं, क्या नाम बताइए अपना? सुमित कश्यप। ये बताइए कि क्या क्या काम यहाँ पे, खाली स्टूडियो तो नहीं लग रहा है, इधर आइए जरा। ये तो ये क्या है, स्टूडियो के साथ आप मग की प्रिंटिंग करते हैं जी। इसमें क्या क्या लिख देते हैं ये, जो जैसा आप चाहें वैसा काम। इधर आइए इसमें ये जैसे फोटो वोटो है क्या, आदमी को खुद की फोटो लगाना चाहे? हाँ, वो जैसे। अच्छा, और ये फ्रेम का क्या, ये फ्रेम में जैसी फोटो फिट कर देते हैं? और ये आपने ये डिजाइनिंग आपने की है, ये क्या लिखा है? बाहर से रेडी बेस्ट कपूल। अच्छा, बेस्ट कपूल साथियों, देखिए ये प्रेमियों के लिए भी आकर्षक, इन्होंने बेस्ट कपूल नाम का क्या क्या डिजाइनिंग बनाते रहते हैं कि कहीं ना कहीं आदमी को जीवन में मोटिवेशन मिलता है। साथियों देखिए, बड़ा ये देखिए, बड़ा वेल अप टू डेट ये देखिए बना रख। अच्छा, ये बताते हैं ग्लॉसी होता है और एक मैट होता है, इसमें क्या कहानी होती है? ग्लॉसी और मैट दोनों अलग अलग पेपर होते हैं। अच्छा, क्या मैट शाइनिंग पेपर होता है? अच्छा, मैट शाइनिंग पेपर होता है, सॉरी ग्लॉसी शाइनिंग पेपर होता है। हाँ, मैट हमारा सब अलग अलग तरह। नहीं नहीं, तो जैसे मैं फोटो अपनी ग्लॉसी में खिंचाऊँ या मैट में खिंचाऊँ, तो कौन मतलब वास्तव में कैसे लोग चुनाव करें कि किस में खिंचाया जाए? अधिकतर लोग ग्लॉसी का यूज करते हैं कि चमक धमक लोग ज्यादा पसंद करते हैं। साथियों देख रहे हैं कि एक ग्लॉसी और एक मैट, दो तरीके के पेपर होते हैं। जो लोग देख रहे हो तो मैं यहाँ स्टूडियो में छोटे जानकारी दी, तो ग्लॉसी में एक्चुअली में मैट शायद डल टाइप का होता है। अच्छा, लाइट इसकी अच्छी होती है? लाइट ज्यादा किसी कौन लंबे लंबे तक जिसे रखना हो, वो अलग कंपनी का एक पेपर आता है, वो कैनवा कंपनी वाली है, वो अलग। अच्छा, आजकल जो लाइफ टाइम वाला, आजकल जो एल्बम चल गए हैं शादियों के, बड़े महंगे महंगे भोपाली टाइप, ये क्या एल्बम है? ये निकालिए जरा सा, बस एक ये ऊपर रखा है ना, एल्बम निकालिए। हाँ, देखिए इनके यहाँ सब कोलाज वगैरह का। मैं ठाकुर लखनऊ में हूँ। ये क्या है ये? अच्छा, ये देखिए इस तरीके से एल्बम तैयार होता है। पहले तो जब फोटोएं बना करती थी, अब शायद बिल्कुल इतना मजबूत बनाने लगे हैं कि लंबे समय तक जो है चलता रहता है। ये देखिए अच्छा, नहीं ये देखिए साथियों, ये इस तरीके से दुकान है। ये क्या नाम है दुकान का आपकी? आपकी दुकान का क्या नाम है? धीरज फोटो पॉइंट। धीरज फोटो पॉइंट, ओके ओके। देखिए
यहाँ क्या क्या काम होता है आपके यहाँ? फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। अच्छा अच्छा वीडियो, ये ड्रोन ड्रोन कैमरा, ड्रोन से वीडियोग्राफी से क्या फायदा होता बताओ? ड्रोन से वो अच्छे शॉट निकलते हैं। अच्छा ड्रोन से ये होता है कि आदमी मुंह फैलाए खा रहा है तो मुंह फैला फैला आ जाएगा उसका है उसको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब कि आदमी गिन लेगा कि 20 बता से खा रहे तो 20 आ जाएगा। ड्रोन के ऊपर के शॉट अच्छे आते हैं ना, ड्रोन से आपका। अच्छा ड्रोन का मतलब ये होता होगा कि जैसे सीधे से हम लोग नहीं खींच पाते हैं तो ड्रोन अचानक ले लेता है ये नहीं, ऊपर के शॉट जो होते हैं सारे ड्रोन कवर कर लेता है अच्छे शॉट। अच्छा ऊपर लेवल के ड्रोन होते हैं। अच्छा तो ड्रोन वोन का तो मामला बड़ा महंगा चलता होगा यार। तो एक जैसे शादी में ड्रोन कैमरा ले जाते हैं तो कितना पैसा चलता होगा? जैसा काम होता है वैसा पैसा होता है। अच्छा स्टार्टिंग 10,000 से स्टार्टिंग होती है। 10,000 से स्टार्टिंग होगी। 10,000 में तो कोलाज बना के देते, क्या करते हैं वीडियोग्राफी का? ये वीडियोग्राफी शूट का होता है, वीडियो शूट का। और आजकल तो ढेर सारी चीजें होने लगी हैं, प्री वेडिंग वेडिंग ये सब होता है। ये प्री वेडिंग शादी के पहले भी मैं देखता हूँ कि वहाँ रूमी गेट के सामने और ढेर सारी ये सब काम आप करते हैं? नहीं हम ये सब काम नहीं करते हैं। नहीं आपके आपके यहाँ ये सब काम होता है मतलब? हाँ सब प्री वेडिंग है, ये सब चीज जितनी चीजें हैं। ये क्या है? पिलो भाई है। अच्छा पिलो में भी इसमें भी फोटो वोटो लगाना लगा देते हैं। ओके ओके ये देखिए शादी कितनी फोटोग्राफी लाइन में भी देखिए ये चीज़ें हैं। बच्चों को गिफ्ट दिया जा सकता है, बच्चों को अगर गिफ्ट देना हो तो इसमें कोई चीज़ मोटिवेशनल चीज़ किसी महापुरुष का थॉट लगा के आप लोग दे सकते हैं। जनरली जो मार्केट से बना देखिए पिलो हैं, ये बच्चे रोज पिलो लगाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। देखिए ये देखिए साथी देखिए कुल मिलाकर मैं ये भी कहना चाहता हूँ बच्चों के हिसाब से भी, उनकी स्टडी के हिसाब से, उनके पर्पस के हिसाब से भी अपने मन, ये देखिए बच्चों को जैसे ये है इसमें देखिए महात्मा गांधी का या कलाम का किसी चीज़ का थॉट दिला दिया, बच्चे इसमें दूध पियेंगे तो इस भावना का विकास होगा कहीं ना कहीं। ये मोटिवेशन तो फोटोग्राफी को भी साथियों जितनी भी चीज़ है कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हम अपने बच्चों के मोटिवेशन के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई से जोड़ सकते हैं, उनके पर्पज से जोड़ सकते हैं। हर साल बच्चों का बर्थडे आता है, ये आता है, वो आता है, तो इस तरह के जो इनकी दुकान में जो मैंने देखा कप रखे हैं और ये पिलो रखी हैं, ये चीजें हैं, तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेशनल यूज में ला सकते हैं। दुकान का नाम कहाँ लगाया? ये लगा है, ये देखिए मैं हूँ, ये है कहाँ, ये देखिए क्या है, ये है। अरे यार क्या लिखा है ये, मुझे इतने डिजाइनिंग में लिख रखा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा भैया ये क्या नाम लिखा है। धीरज लिखा है? अच्छा धीरज स्टूडियो, ये देखिए ये लिखा है, इतनी आर्टिस्टिक तरीके से लिख रखा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। ये देखिए सामने खड़े हो जाए, खड़े ये है दुनिया। आज मैं स्टूडियो की शेयर करा रहा हूँ आप लोगों को, हर चीज पर चिंतन होते रहना चाहिए जीवन में। ये देखिए ये देखिए क्या नाम आपने बताया अपना? सुमित कश्य। आप ये आपके मालिक का नाम धीरज है? ये धीरज जी का स्टूडियो है ठाकुर चौराहे पर। एड्रेस क्या लगता है पूरा यहाँ पर? एड्रेस क्या लगता है? ठाकुर चौराहा लगता है? हाँ ठाकुर। अच्छा अच्छा साथियों आज आपको स्टूडियो की सैर करा दी। एक्चुअली में मैं बिटिया का फोटो बनवाने आया था तो दिमाग मेरा स्टूडियो की तरफ चला गया, तो चला कि कवर करते चला जाए फिर।